हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम। आज मैं वर्तिका आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ़ैन ब्रश को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ैन ब्रश को ख़रीदना कहाँ से है, उसका व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी अगर फ़ैन ब्रश है तो मैं आपको इसके कुछ तरीके बता देती हूँ इस्तेमाल करने के। तो बेसिकली हम चार तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप जब भी किसी भी तरह के लिए यूज़ करें, मेक श्योर कि आपका फ़ैन ब्रश जो है वो एकदम से बिल्कुल क्लीन हो, आप तभी इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप अलग अलग मल्टीपल यूज़ के लिए फ़ैन ब्रश को इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको आपको हमेशा पहले हाथ पर इस तरह से साफ़ कर लेना है, या फिर ब्रश क्लीनर आपके पास है तो उसके ऊपर आप ऐसे साफ कर लेंगे और इसके बाद ही इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपने हाइलाइटर लगाया है चमकीली इसके ऊपर लगी हुई और उसके बाद फुल फेस पर अगली बारी के लिए वो पाउडर लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो आपकी चमकीली पूरे फेस पर लग जाएगी एंड मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्लीन करेंगे जब भी हम कोई भी ब्रश को मल्टीपल चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट यूज़ इसका है फेस पाउडर लगाना, आप फुल फेस पर अपना पाउडर लगा सकते हैं। इसके बाद सेकंड यूज़ इसका है, आप बड़े वाले फ़ैन ब्रश से बहुत ही अच्छे से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। काफ़ी शार्प लाइंस जो हैं कॉन्टोरिंग की इस तरह से बन जाती हैं, और आप अपना ब्लश भी जो है वो फ़ैन ब्रश की मदद से ऐसे पैट करके लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ैन ब्रश होता किसके लिए है, बेसिकली फ़ैन ब्रशेस हाइलाइटर लगाने के लिए होते हैं, तो आप हाइलाइटर तो लगा ही सकते हैं। तो चलिए देखिए डेमो, और अभी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मैंने ये जो मेकअप लुक किया हुआ है इसको देखना है तो इसके लिए आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाउंडेशन मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, और वो मैं बड़े वाले साइज़ वाले फ़ैन ब्रश से लगा रही हूँ। छोटे वाला साइज़ का फ़ैन ब्रश होता है तो उससे फुल फेस पर ऐसे नहीं लगाया जाता है पाउडर, बड़ा वाला साइज़ का है तो उससे लग जाता है अच्छे से। और आप बिना फाउंडेशन के भी अपना सिंपली कॉम्पैक्ट भी बेयर फेस पर भी लगा सकते हैं फ़ैन ब्रश की मदद से। तो ये है फर्स्ट यूज़। इसके बाद सेम फ़ैन ब्रश से आप अपना ब्रॉन्ज़र लगा सकते हैं या फिर कॉन्टोर पाउडर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉन्टोर पाउडर, फिश फेस में बना रही हूँ, ईयर के मिड से लेकर के हल्का सा नीचे की तरफ तिरछा आकार में मैं अपना कॉन्टोर पाउडर जो है वो लगा रही हूँ। शेडो क्रिएट होता है इससे और फेस जो है वो स्कल्प्टेड और चिजल्ड लगता है, थोड़ा सा स्लिम इफेक्ट देता है, पतला लगता है फेस। और जहाँ पर डबल चिन होती है, जहाँ पर फेस जो है हमारा एंड होता है, वहाँ पर भी लगाते हैं। थोड़ा सा मैं अपने कॉन्टोर को डिफ़ाइन कर रही हूँ, नेचुरल सा रख रही हूँ मैं यहाँ पर। और अच्छे से आप अपने डबल चिन वाले जगह पर, अगर आपको डबल चिन है तो यहाँ पर कॉन्टोर पाउडर लगा सकते हैं। अगर डबल चिन नहीं है तो भी अगर आप लगाते हैं तो आपका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है, अच्छे से उसकी शेप जो है वो बनी हुई लगती है, जैसे कि मॉडल्स का फेस हम लोगों को दिखाई देता है, थोड़ा सा उस तरह से काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है। और इसी तरह से मैं अपने फेस की दूसरी साइड पर भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग से शेडो एरियाज़ क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी शेडो है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है, और भी कम लाइट पड़ेगी अगर हम कॉन्टोरिंग करेंगे। तो इस तरह से वी आर जस्ट प्लेइंग विद द लाइट, कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग सारा लाइट के साथ खेलने का गेम है। और इसी तरह से मैं नोज़ के ब्रिज के साइड्स में, जो बिल्कुल नोज़ का सीधा आकार होता है, उसके साइड्स में मैं कॉन्टोर पाउडर लगा रही हूँ, जिससे नोज़ भी मेरी पतली लगेगी। अब कॉन्टोर पाउडर के बाद ब्रश को हाथ पर अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ब्लश में ब्राउन कलर मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट अबव योर कॉन्टोर लाइन, जहाँ पर आपने कॉन्टोर पाउडर लगाया उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ आप अपना ब्लश जो है लगाएंगे। आप बिना स्माइल करे भी लगा सकते हैं तो भी अच्छे से लग जाता है, आप चाहें तो हल्का सा स्माइल के भी लगा सकते हैं। और दो बार में आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कलर अच्छे से बिल्ड हो जाता है। पहले ही ज़्यादा कलर लगा लेते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद भी अब आपको ब्रश को हाथ पर क्लीन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके हाइलाइटर में फिर ब्लश का कलर भी मिक्स हो जाएगा। बस हाथ पे हल्का सा आप झाड़ेंगे तो क्लीन हो जाता है। मैंने यहाँ पर पाउडर हाइलाइटर लिया है, और यहाँ पर चीक बोन होता है ब्लश लाइन के ऊपर, हल्का सा आप हाथ लगा करके टच करके देखेंगे तो आपको हड्डी फील होगी, तो अपनी चीक बोन पर हाइलाइटर लगाना होता है। यहाँ पर क्या है कि
लाइट जब पड़ती है तो ये एरियाज चमकते हैं, चाहे हाईलाइटर नहीं होता ना तब भी हल्का सा चमकते हैं। तो अगर हम हाईलाइटर लगा लेते हैं इन एरियाज पर जो उभरे हुए हिस्से हैं हमारे चेहरे के, तो यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो ये और ज़्यादा चमक करके आते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो स्कल्प्टेड और स्ट्रक्चर्ड लुक है वो भी मिलता है, क्योंकि बाकी शेडो एरियाज में शेडो आ जाती है इसकी वजह से, और उभरे हुए एरियाज में हाईलाइटेड लुक आ जाता है इसकी हाईलाइटर लगाने की वजह से। तो फैन ब्रश से हाईलाइटर सबसे अच्छे से लगते हैं, बिकॉज फैन ब्रश का बेसिक काम यही होता है। तो ये है फैन ब्रश के यूजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी जो आप स्क्रीन पर मेकअप लुक देख रहे हैं ये देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर ही एक बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा ये मेकअप लुक, उसको क्लिक करके आप ये मेकअप भी देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।